Una hazelete. Three set of plastic set. Plastic set of three dry food scoops. Is this plastic set of three dry food scoops spoons? Three plus three dry food scoops spoons. Three plastic set of dry food scoops. Guys. Hello everyone, welcome to my channel Versatile Vlogs. Hope you all are doing great. So my last video neckpiece haul from Myntra, usko bahut acha response mila. So I just thought why not go for another haul video. So today's video is going to be an Amazon haul about kitchen essentials. I hope you like this one as well. So without any further ado, let's get started. When it comes to kitchen, pehli baat jo hamare dimag mein aati hai, that is storage. So the very first thing I would like to show is this storage boxes. So ये box मैंने Signora Ware brand से लिया है. तो ये total 8 boxes है of different sizes. तो देखा जाए तो ये वाला और एक ये वाला, ये दो sizes में per piece 3 आते हैं. मतलब ये वाले size में 3 box और होंगे और ये वाले size में 3 box और होंगे. और एक सबसे बड़ा बॉक्स होगा, दैट इज दिस वन ऑफ दिस साइज. एंड एक सबसे छोटा बॉक्स होगा, दैट इज ऑफ दिस साइज. सो इन टोटल वी गेट 8 बॉक्सेस फ्रॉम Signora Ware एंड दैट कॉस्टेड मी फॉर 1565 रुपीज. सो देखा जाए तो दैट इज लिटिल बिट ऑफ कॉस्टली, बट आई हैव अ चॉइस. लाइक व्हाट आई हैव सीन इज कि अगर आप देखोगे, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये जो कलर है ढक्कन के, ये कलर पे भी हमारा कॉस्ट वेरी होता है. फॉर एग्जाम्पल ये जो मरून कलर है, दिस कॉस्ट एड मी फॉर 1565 रुपीज. बट अगर आप लिंक पे जाओगे, आपको अलग अलग कलर्स दिखेंगे. जहां पे मैंने ब्लू कलर देखा, दैट इज समथिंग अराउंड 1000 रुपीज, और 1200 रुपीज. सो दैट कॉस्ट डिफरेंस इज विद द कलर एज वेल. सो यू कैन गो एज पर योर कलर चॉइस ऑल्सो. आई लाइक दिस कलर, सो आई जस्ट वेंट विद दिस कलर. और ये डिफरेंट साइजेस में होने की वजह से हम लोग इसमें बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें स्टोर करके रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसमें सीरियल्स रख सकते हैं, हम लोग इसमें पोहा रख सकते हैं, चाय पत्ती रख सकते हैं, शुगर रख सकते हैं, ऐसे कोई भी चीज हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं. यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कितनी स्लिम और ट्रिम बॉक्सेस है. इजिली हम लोग निकाल सकते हैं, वापस डाल सकते हैं. काफी स्टोरेज स्पेस भी बच रही है और वेल ऑर्गेनाइज भी लग रहा है. दूसरी चीज है ये वुडन हैंड क्राफ्टेड स्पून्स. इफ यू कुड सी, जब भी मैं खाना बनाती हूँ, 10 चीजें लगते हैं. नमक, मिर्ची, चाय बनाते वक्त चाय पत्ती, शुगर, हर एक चीज के लिए एक 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 स्पून लगता है. और दूसरे दिन बेसिन में 10 स्पून धोने के लिए. सो दिस स्पून्स हैव रियली सॉल्व माई प्रॉब्लम. दिस आर सेट ऑफ 12 स्पून्स. इसमें 6 छोटे साइज के और 6 बड़े साइज के. लेट मी शो यू द साइज फॉर कंपेरिजन. सो ये बड़ा वाला साइज है और ये छोटा वाला साइज है. ज्यादा डिफरेंस नहीं है. सो आई होप यू कैन सी द डिफरेंस. सो ऐसे 12 स्पून्स आई गॉट इट फॉर 221 रुपीज. और मैं अभी एक हर एक डिब्बे में एक 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 स्पून रखती हूँ. तो दिस इज हाउ माई प्रॉब्लम इज बीन सॉल्व. सो यू कैन गो फॉर दिस एज वेल. हैंड क्राफ्टेड होने की वजह से यू कैन क्लियरली सी एवरी स्पून. हर एक स्पून अलग अलग साइज में है, अलग अलग शेप में है. दैट इज द साइन ऑफ हाउ इट इज हैंड मेडेड, राइट? या सो यू कैन गो फॉर दिस एज वेल. The next one is this multifunctional fruits and vegetables washing and draining baskets. That's why the word multifunctional. Yes, ये दोनों भी चीजें करते हैं. मतलब whenever we wash fruits or vegetables under the running water, थोड़ा बहुत तो इधर उधर गिर ही जाता है. मतलब हम कितना भी संभालो, थोड़ा फूड तो वेस्ट हो ही जाता है. Here comes the solution to the problem. This basket, this is a dual cover basket. Let me show you. So it has two covers. The one with the holes from where you can drain it out, and the other is the totally packed bowl which helps you to wash the vegetables. So what and there's a knob over here which helps to slide the basket. So whenever you want to wash the vegetables, you can simply wash it over here, and once you're done, you can just drain out the water. Let me show you how it works.
यहाँ पे मैं मेथी की सब्जी ले रही हूँ एग्जाम्पल के लिए। नीचे का बाउल पूरा पैक होने की वजह से हम हमारी सब्जी या फ्रूट्स जो कुछ भी होगा वो अच्छे से धो सकते हैं। वंस इट इज़ बिन डन, एक्सेस वाटर को हम लोग ड्रेन करेंगे। ड्रेन करने के बाद आप देखेंगे कि पूरी सब्जी पूरी ड्राई मिल रही है हम लोगों को, और उसके बाद अगर आप सिंक में देखोगे तो बिल्कुल भी फूड वेस्टेज नहीं है। नेक्स्ट आते हैं ये हॉट पॉट मैग्स। हम जब भी खाना गरम करते हैं तो वो गरम गरम बर्तन हम लोग नीचे नहीं रखते हैं, राइट? वहां पे कुछ तो बेस रखते हैं, फिर उसके ऊपर वो रखते हैं। तो अभी तक मैंने बहुत सारे स्टील वर्जन देखे थे इस चीज के लिए, लेकिन आप एक बार इस चीज को तो देख लो, मतलब ये कितने सुंदर सुंदर है, कितना कलरफुल कलरफुल है। मतलब ये सुंदर होने से ज्यादा ये अपना काम भी बहुत अच्छे से करते हैं। आई मीन आई हैव बॉट दिस ऑलमोस्ट 4 months back। मैं इसको 4 months यूज भी कर रही हूँ एंड इट्स एज ईज। इट्स मेड ऑफ सिलिकॉन एंड इट्स सर्विंग इट्स पर्पज वेरी वेल एंड इट कॉस्टेड मी फॉर 219 rupees। यू कैन गो फॉर इट। मतलब ये बहुत सुंदर भी और अपना काम भी बहुत अच्छे से करते हैं, जस्ट अ चेंज अपार्ट फ्रॉम द स्टील वर्जन। नेक्स्ट वन इज दिस सेट ऑफ 3 ड्राई फूड स्कूप्स। सो हम लोग जब भी खाना बनाते हैं तो हम लोगों को एक नाप लगता है, एक मेजरमेंट लगता है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग विच आई कैन सजेस्ट यू फॉर दिस पर्पज। हमारी डेली यूज की चीजें में अगर हम लोग देखेंगे तो राइस मान लो या चपाती का आटा मान लो, तो इसमें सब कुछ मेजरमेंट लगता है, राइट? अदरवाइज वेस्ट हो जाता है, अगर थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वेस्ट हो जाएगा। तो दिस विल हेल्प यू टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ फूड। सो वाई नॉट, and its look, it has a quite sturdy look as well। ये बहुत दिखने में भी अच्छा है और यूज में भी अच्छा है, और मैं 4 months हो गए इसको यूज कर रही हूँ, काफी स्ट्रॉन्ग भी है एंड ये मुझे 499 rupees में मिला है। द नेक्स्ट वन इज दिस अनब्रेकेबल एयर टाइट स्टोरेज बॉक्स। इसको मैं मल्टीपर्पज बॉक्स बोलती हूँ क्योंकि इसमें हम लोग दोनों चीजें रख सकते हैं। दोनों कौन से? तो वो इसमें स्नैक्स भी रख सकते हैं जो हम लोग नॉर्मली बाहर रखते हैं, और दूसरी चीज ये फ्रिज में भी यूज हो सकता है। तो फ्रिज के स्टोरेज में भी इसका काम हो जाता है। आई मीन हम लोगों को अगर कोई सब्जी रखनी होगी, कोरिएंडर, पुदीना, मेथी, ऐसी कोई भी पालक, कोई भी सब्जी हम लोग अगर रखते हैं तो ये एयर टाइट होने की वजह से वो सारी चीजें भी इसमें बहुत अच्छे से रहती है। तो दिस इज क्वाइट अ मल्टीपर्पज बॉक्स। ये मैंने पैक ऑफ 4 में लिया था, सो इट कॉस्टेड मी फॉर 749 rupees। इसमें बहुत अलग अलग चॉइसेस है, पैक ऑफ 2 भी है, उसके हिसाब से अपना प्राइस कम हो जाएगा। सो यू कैन गो एज पर योर चॉइस। अभी अगली चीज है ये ग्लास ऑयल बॉटल। अभी इसके बारे में मैं बोलना चाहती हूँ कि मैंने पहली भी एक बॉटल मंगाई थी जो कि स्टील में थी, उससे इतना सारा लीकेज होता था ऑयल का, मतलब खाने से ज्यादा वो वेस्ट ही हो जाता था। दैट वाज द थिंग वेयर आई टुक द डिसीजन कि मुझे ये बॉटल चेंज करनी चाहिए। इनिशियली मुझे लगा कि ये ऑयल बॉटल जो हम लोग यूज करते हैं इसमें थोड़ा बहुत तो लीकेज होता ही होगा, बट वेन आई टुक दिस बॉटल एंड आई स्टार्टेड यूजिंग दिस, मैं बताऊँ आपको 0.00001% भी लीकेज नहीं होता है। आई मीन सच अ गुड बॉटल इट इज। एंड ऊपर से हम लोगों को ये एक फनल मिल जाता है विच इज यूज टू रीफिल द बॉटल। सो ये और भी अच्छा है, मतलब हम लोग जब भी बॉटल भरते हैं तो उससे भी ऑयल वेस्ट हो जाता है, तो ये फनल की वजह से वो ऑयल भी वेस्ट नहीं होता है। दिस कॉस्टेड मी फॉर 419 rupees एंड लेट मी टेल यू 419 rupees में मुझे बस ये एक नहीं ऐसे 2 बॉटल्स मिले हैं। सो दिस इज अ पेयर ऑफ 2 bottles। 2 bottles मुझे 419 rupees में मिले, सो दैट वॉज अ गुड डील, इजंट इट? द नेक्स्ट इज दिस फ्रिज मैट्स। अभी फ्रिज मैट्स इज लाइक समथिंग वेरी कॉमन, आजकल हर घर में देखा जाता है, बट आई जस्ट लाइक द क्वालिटी ऑफ दिस मैट्स। दिस मैट इज फ्रॉम सोलिमो, इट कॉस्टेड मी फॉर 179 rupees, और 179 rupees में मुझे ऐसे 6 sheets मिले हैं, और मुझे इसकी क्वालिटी इतनी पसंद आई। आई मीन आई एम फॉन्ड ऑफ सोलिमो राइट नाउ। मेरे पास और भी बहुत चीजें हैं सोलिमो के, आई हैव बॉट पिलोज, आई हैव बॉट माई बीन बैग एज वेल। आई एम रियली फॉन्ड ऑफ द ब्रांड सोलिमो, उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहती है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रांड आई थॉट ऑफ शूटिंग दिस फ्रिज मैट्स एज वेल। अगर किसी के पास नहीं होगा तो डेफिनेटली गो विद दिस, इसकी क्वालिटी सही में बहुत ही अच्छी है, और 179 rupees में 6 sheets इज ऑल्सो गुड ऑप्शन।
और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, अगर वो चीज आपके पास नहीं होगी तो वो देखने के बाद आप बहुत ही खुश हो जाएंगे, बिकॉज दैट इज अ रियली रियली गुड ऑर्गेनाइजर, दैट इज अ मॉप एंड ब्रूम होल्डर। अभी वो चीज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकती, सो लेट मी शो यू राइट देयर इटसेल्फ। इंस्टॉल्ड होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे मैं आपको मॉब और ब्रूम को होल्ड करके दिखा रही हूँ। इसमें और 5 हुक्स अवेलेबल है जहाँ पे आप बाकी की चीज़ें भी हुकअप कर सकते हो। आप देख सकते हो मैंने इतनी सारी चीज़ें इस पे हंग करी हुई है, फिर भी इसकी होल्ड और ग्रिप बहुत ही अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है इसकी। और इस तरह से हम लोग हमारी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में रख सकते हैं। That was all about the kitchen essentials, the basic kitchen essentials. I hope you like them all. I hope you buy at least one of them. Do like, share and subscribe to my channel if you love the content. Thank you. Bye-bye.